हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजेड वर्सेस एएफजी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आपको खेला जाता दिखेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं और टॉप के कमेंट से भी जुड़ सकते हैं। एकमात्र जरिया यही रहेगा जुड़ने का। बहुत लोग हमारे नाम पर पैसे मांग रहे हैं, तो आप यहीं से जुड़े, किसी और के चक्कर में ना पड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट से ही जुड़ जाना है दोस्तों। वेन्यू की बात करें, शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में मैच हो रहा है, जहां फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन डिसेंट रन स्कोरिंग भी हो रही है। आईपीएल 2021 के मैचेस आप देख रहे हो यहां पे, सभी के सभी आप देख सकते हो, लेकिन लास्ट के कुछ मैचेस में आपको अच्छी स्कोरिंग देखने को मिल रही है, एक चीज आप ये गौर करो। और यहां पे विकेट्स में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प हो रही है। टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस आप यहां देख रहे हो, जो सारे के सारे मैचेस हैं, रिसेंट जो मैचेस हैं उन पे थोड़ा ज्यादा गौर करना, यानी कि पिछले कुछ जो 3-4 मैच है स्कोरिंग ठीक ठाक हुई है, टीम्स ने 150 रेगुलरली क्रॉस किया है, इनफैक्ट 180 भी क्रॉस हुए हैं पिछले कुछ मैचेस में, और विकेट्स में अगेन फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट है। तो वही बात जो आईपीएल में हुई थी यहां पर हो रही है, चेजिंग टीम 8 मैच जीती है 13 में से। ये आप देख रहे हो न्यूजीलैंड का फुल स्क्वाड, ये आपको पूरा स्टैट्स दिख रहा है कि कौन क्या कर सकता है, किसका क्या रोल है बेसिकली। और अब ये आपको स्टैट्स दिख रहे हैं किसने क्या स्कोरिंग करी है। तो अभी तक दोस्तों आपको बता दूं, मार्टिन गप्टन ने इनके लिए एक मैच में 93 किया, उसके अलावा 20s में गए हैं। डेरियल मिचेल ने 27, 49, 13 और 19 किए हैं। केन विलियमसन ने ठीक किया है। तो एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड, किसी का बड़ा नॉक आया तो वो मार्टिन गप्टन है, बाकी सब ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और ये डू ऑर डाई गेम है न्यूजीलैंड के लिए, अगर न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करना है ये मैच जीतना होगा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड हारती है तो इंडिया या अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगा और मोस्ट लाइकली उसमें इंडिया का एडवांटेज रहेगा, बिकॉज इंडिया का नेक्स्ट मैच नामीबिया से है और रन रेट में भी इंडिया को एज है। तो एज इंडियंस वी होप न्यूजीलैंड ये मैच हार जाए, लेकिन ऑन पेपर अगर आपको टीम बनानी है, आपको न्यूजीलैंड के फेवर में बनानी है, क्योंकि टीम इमोशन से नहीं बनती। अगर आपको मनी जीतना है, पैसा जीतना है, आपको समझना पड़ेगा ऑन पेपर न्यूजीलैंड की टीम बेहतर है। हालांकि मैं भी यही चाहता हूँ न्यूजीलैंड हारे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप कुछ हार जाओ। बात करेंगे बोलिंग की, तो ट्रेंट बोल्ट एज यूजुअल बहुत अच्छे रहे हैं, हर मैच में विकेट्स पिक करिए, टोटली 8 विकेट प्लस डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। इनके साथ साथ एडम मिन डेथ में डाल रहे हैं, हालांकि विकेट एक ही है। मिचेल सैंटनर को 2 विकेट मिली हैं। रना बॉल आप कह सकते हो उनकी जो इकोनॉमी रहती है वैसी ही रही है, 16 ओवर में 91, लगभग 6 की इकोनॉमी, थोड़ी कम ही है। और अगर आप नोट करोगे वो जल्दी ही अपने 10 ओवर डाल देते हैं, अपने 4 ओवर मुझे माफ करना डाल देते हैं। तो जो उनके जो 4 ओवर है वो पहले ही 10 ओवर में कंप्लीट करवा देते हैं विलियमसन, यानी कि लास्ट मैच में तो आप देखोगे तो बहुत जल्दी ओवर कंप्लीट करवा दी थे। बाकी डिपेंडिंग ऑन कौन सा बल्लेबाज है, क्या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बॉलिंग मिल सकती है, विलियमसन इनको यूज करते हैं। सोडी साहब है, लास्ट मैच में सर पे बहुत ज्यादा जोर की बॉल लगी थी लेकिन ही इज फाइन, उन्होंने बोला कि मेरा सर दर्द जरूर हुआ उसके बाद लेकिन कंकशन नहीं है तो वो खेलने चाहिए। तो ये है इनकी बॉलिंग, जरूरत पड़ने पर जिमी निशम भी बॉलिंग कर सकते हैं। दोस्तों बात करूं प्रैक्टिस मैच में, तो ये दोनों मैच हार के आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी वहां पर आप देख सकते हो क्या रही थी। अब आप देख रहे हो न्यूजीलैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस प्रैक्टिस मैच में। अब आप देख रहे हो न्यूजीलैंड के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, मतलब हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिसका देखना चाहो देख सकते हो। अब दोस्तों अफगानिस्तान की प्रोबेबल 11 देख लेते हैं। इन्होंने जो स्कोरिंग करी है पहले मैच में 44 की हजरत अला ने, उससे थर्ड मैच में 33, उसके बाद ज्यादा नहीं चले। मोहम्मद शहजाद का एक मैच में 45 था, उसके अलावा ज्यादा नहीं चले। स्विंग पे थोड़ा तंग होते हैं, पर्टिकुलरली ट्रेंट बोल्ट इनको तंग कर सकते हैं, इवन सऊदी भी। गुरबाज अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया के सामने भी जो 19 थे उसमें बेहतरीन शॉट्स थे लेकिन छोटी सी इनिंग्स थी। गुलबदीन नायब ने ठीक किया है। अब आपको बता दूं नाजिबुल अजदरान जो इनके मेन प्लेयर हैं आखिरी दो मैचेस में नहीं चले। मोहम्मद अबी हैज बीन इन स्कोरिंग, ठीक ठाक 30s किया है उन्होंने। करीम जरात ने लास्ट मैच में इंडिया के सामने 42 कर दिया। तो टीम में डेप्थ है बल्लेबाजी में, प्रॉब्लम यह है कि इनके मेन स्पिनर मुजीबुर रहमान फिट है या नहीं, ये अभी कोई न्यूज़ नहीं है। और एज इंडियन हम चाहते हैं मुजीब खेले क्योंकि ये विकेट टेकर है, वरना फिर से शरीफुद्दीन को खिलाना पड़ेगा। बेंच पे असमतुल्ला शहीदी हैं, ऐसे अच्छे प्लेयर हैं, देखते हैं इनको मौका मिलता है कि नहीं, प्लेयर डिसेंट हैं। अफगानिस्तान की बोलिंग की बात करूं तो राशिद हमेशा टॉप विकेट टेकर रहते हैं, 7 विकेट्स लिए हैं। मुजीब ने 6 लिए हैं लेकिन लास्ट मैच खेले नहीं, ठीक है। नवीन ने 5, हामिद हसन ने 3, अच्छी यॉर्कर डालते हैं। गुलबुद्दीन नायब ने भी 3 विकेट लिए, साथ साथ टू डाउन पे भी आ रहे हैं, तो अच्छे डिफरेंशियल हैं। मोहम्मद अभी 1 विकेट ही लिया है और फर्स्ट ओवर ही उन्होंने डाला था इंडिया के सामने, उसके बाद ओवर नहीं किया। करीम जुनाद 15वां ओवर किया था इन्होंने, यानी इन्होंने भी एक ही ओवर किया करीम जनात में भी। शरीफुद्दीन अशरफ ने 2 ओवर डाले थे, रन पड़ गए थे थोड़े, 2 ओवर 25 पर 0 इनके बॉलिंग फिगर्स है। दोस्तों प्रैक्टिस मैच देखोगे तो ये साउथ अफ्रीका से हारे, वेस्ट इंडीज से जीते। और प्रैक्टिस मैच में भी देखोगे एक मैच में शहजाद हजदा ही चल गए, बाकियों में गुरबाज दोनों में ठीक खेले, वैसे तो नबी भी अच्छा खेले। तो प्रैक्टिस मैच में भी परफॉर्मर वही है, नबी ने बॉलिंग अच्छी करी थी, मुजीब ने अच्छी करी थी। एज यूजुअल आप परफॉर्मर्स रीड कर सकते हो, फुल स्टैट्स भी आप रीड कर सकते हो, एकदम सारे स्टैट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। तो पावर पैक एनालिसिस विद इन 5 मिनट्स मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे स्टैट्स दिखाए। अब एक बार फटाफट से आप प्लेयर मैचअप्स पे गौर कर लो, जहाँ मार्टिन गप्टिल रशीद खान के आगे खेले हैं विकेट नहीं है, नबी ओडीआई में खेले हैं विकेट नहीं ले पाए गप्टिल की, लेकिन एक प्लेयर अगर कोई विकेट ले पाया केन विलियमसन की तो वो राशिद खान है, जिन्होंने सीपीएल में उनको आउट किया था 2017 की सीपीएल में।
बाकी और कहीं आपको कुछ खास विकेट मिलेगी नहीं, मैंने मैचअप्स लिखे ज़रूर हुए हैं बट ये बेसिकली ऐसे ऐसे मैचअप्स हैं जो या IPL के हैं या अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का ODI मैचेस के हैं। तो हर एक मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कौन सा कहाँ का है ताकि आप समझ पाएँ। दोस्तों जब आप अपनी टीम करने आएंगे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, न्यूजीलैंड इज़ फेवरेट टू विन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं विकेट कीपिंग सेक्शन में शहजाद ओपनिंग के साथ आपको विकेट कीपिंग देंगे, एडवांटेज है। गुरबाज आपको वन डाउन आएंगे लेकिन विकेट कीपिंग नहीं देंगे, ठीक है, अच्छे बल्लेबाज है लेकिन बल्लेबाजी में मैं इनको शहजाद से ऊपर रेट करूंगा बल्लेबाजी क्रम देखते हुए, क्योंकि शहजाद ट्रेंड बोर्ड पर स्ट्रगल कर सकते हैं इवन टिम सऊदी पे। डिवॉन कॉनवे है वो आपको दिख जाएंगे टू डाउन पे न्यूजीलैंड से, मैं रिकमेंड करूंगा अफगानिस्तान के प्लेयर डिवॉन कॉनवे मुझे बहुत पसंद है, हालांकि UAE में उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, टू डाउन पे आके परफॉर्मेंस दे जरूर सकते हैं, तो डिफरेंशियल कैटेगरी में आप डिवॉन कॉनवे को जरूर ट्राई कर सकते हो। अभी हम चलते हैं बल्लेबाजी पे, जहां हमें गप्टिल को, डैरियल मिचेल को और केन विलियमसन, न्यूजीलैंड का जो टॉप थ्री है उसको तो हमने कंफर्म कर लिया अपनी टीम में। अब अफगानिस्तान के ओपनर जजाई आप लेना चाहो ले सकते हो, ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। नाजीबुल्ला है मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे, इनकी बल्लेबाजी आएगी ही। हसमतुल्ला शहीदी भी ये मैच में शरीफुद्दीन अशरफ की जगह आ सकते हैं एज प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन टू डाउन के, उस केस पे फिर गुलबदीन नायब जो लास्ट मैच में टू डाउन आए थे वो नीचे चले जाएंगे। हसमतुल्ला शहीदी एक अच्छे बैट्समैन है, आपको याद होगा इन्होंने एशिया कप में हर टीम के आगे परफॉर्मेंस दिया था, और यहाँ पे आपको बता दूं उस्मान गनी मार्क चैपमैन खेलने के चांस नहीं रखते, फिलिप्स काफ़ी नीचे आ रहे हैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑलराउंडर्स में नबी को, गुलबदीन नेब को और यहाँ पे मिचेल सैंडलर को आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये विकेट्स ले रहे हैं, हालांकि मैंने अभी के लिए इन्हीं दोनों को लिया है। नबी और नैब देखो नबी क्या कर रहे हैं, ओवर करें ना करें लेकिन आपको 30s रेगुलरली दे रहे हैं, कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं, वैसे तो एक दो ओवर भी करेंगे ही, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको बता दूं गुलबदीन नैब हैं, ये लास्ट फिर टू डाउन पे भी आए थे और ओवर भी किए थे, अगर ये नहीं भी आते टू डाउन तब भी ओवर तो हमें दे रहे हैं, और अफगानिस्तान की बल्लेबाजी ऐसी है कि लगभग सबकी आ ही जाती है, ठीक है, 4-5 विकेटें तो गिरी जाती हैं, तो यहाँ पे नेब और नबी दोनों को ही लेना चाहूँगा मैं। बॉलिंग में दोस्तों मैं थोड़ा हैवी गया हूँ, ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, इशोडी, टिम सऊदी, चार की बॉलर्स हैं, इन चारों को मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा। देखो ट्रेंट बोल्ट का ना सिंपल चीज़ है, ये है विकेट टेकर हैवी, 2 से 3 विकेट ले जाएंगे तो कैप्टन वाला काम कर देंगे, ठीक है। राशिद खान आपको पता है अफगानिस्तान के अगर हम चार प्लेयर ले रहे हैं उसमें बेस्ट प्लेयर जो है उसमें राशिद और नबी का नाम आएगा ही आएगा, मुजीब खेलते हैं तो हम देखेंगे लेकिन राशिद का कंफर्म है खेलना। इस सोडी लास्ट मैच में सर पे बॉल लगी थी लेकिन अब लग रहा है खेलेंगे, इन्होंने खुद बोला कि वो फिट है, कंकशन नहीं है तो खेलने चाहिए। सऊदी को भी मैंने लिया है दोस्तों। अब आप पास दोस्तों चॉइस है 2 प्लेयर्स की, अब यहाँ पे अफगानिस्तान से आप शहजाद को अगर लेते हो तो आप पास 8 क्रेडिट बचेगा और आप पास ना कोई प्लेयर नहीं बच रहा, इसीलिए मैंने विकेट कीपर पहले सिलेक्ट नहीं किया था, नहीं तो आपको शरीफुद्दीन अशरफ को लेने पड़ेंगे। और आपको एक बात बताऊँ इनको लेना ना खराब बात नहीं है, इंडिया के सामने भी आप देखोगे 2 ओवर ही किए थे लेकिन रोहित और राहुल को किए थे जो एकदम अच्छी फॉर्म में थे। अगर देखा जाए राइट हैंडर्स टॉप पे है किसके, न्यूजीलैंड के, और वो करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स पे स्ट्रगल, ठीक है, ये देखा गया है न्यूजीलैंड की टीम में, तो शरीफुद्दीन अशरफ वो काम कर सकते हैं और आपके लिए ये क्रेडिट पिक बन सकते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन हो गई, नहीं पीयूष भाई हमें शहजाद नहीं चाहिए, हम न्यूजीलैंड के ही बॉलर साथ जाएंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर साथ जाना ही बेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप गुरबाज को यहाँ पे ले लो, ठीक है, गुरबाज के साथ आप कोई भी बॉलर उठा सकते हो, आपको चाहे यहाँ पे एडम मिलन उठाना है चाहे आपको मिचेल सैंटनर। दोस्तों मेरा ये मानना है थोड़ा पर्सनली कि स्पिनर को शायद फिर भी ये लोग खेल लेंगे लेकिन एडम मिलन जो डेथ में बॉलिंग भी कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा प्रेफरेंस देना चाहूँगा। तो इन पर्टिकुलर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड फेवर टीम है, अगर आप देखोगे मेरे पास न्यूजीलैंड का टॉप 3 आ गया, यानी मार्टिन गप्टिल ओपनिंग, मिचेल ओपनिंग और वनडॉन विलियमसन, साथ में न्यूजीलैंड के मैंने 4 बॉलर ले लिए जिसमें सऊदी आते हैं, मिलन आते हैं, ट्रेंट बोल्ट आते हैं, इशोडी आते हैं। मिल की रिप्लेसमेंट आप मिचेल सैंडलर कर सकते हो। अफगानिस्तान के जब 4 प्लेयर आप बेस्ट नाम करोगे उसमें नबी, नेब और राशिद खान तो आएंगे ही, लास्ट प्लेयर मेरे को 8.5 क्रेड में लेना था तो मैं शहजाद को नहीं पिक कर पाया, गुरबाज को पिक कर पाया। दोस्तों ज़्यादा मैंने आपको जो समझाया उस पर ही फोकस करें, इस मैच में ऑब्वियसली इंडिया के लिए प्रे करें बिकॉज इफ अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो इंडिया का कल नामीबिया से मैच है और हम रन रेट में ना ऑलरेडी आगे हैं। अगर अफगानिस्तान बुरी तरह भी न्यूजीलैंड को हरा दे, विच इज़ ऑब्वियसली अनलाइकली, बट हरा दे तो भी हमारे लिए अच्छा है बिकॉज हमारे पास इतना टाइम है कल के मैच में और हमें सिचुएशन पता रहेगी, हम उस हिसाब से खेल पाएंगे नामीबिया के आगे और उनको हरा कर अगले सेमीफाइनल राउंड में जा सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड। एज दिल तो यही बोलेगा कि काश अफगानिस्तान जीत जाए लेकिन दिमाग जानता है कि न्यूजीलैंड फेवर टीम है, इसीलिए मैंने टीम उस हिसाब से बनाई। आप देखो मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस जो है, ओपनर्स में मार्टिन गप्टिल और डैरियल मिचेल हैं,
ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी आपको बॉलिंग ऑप्शंस मिल जाएगी। मैंने जो कैप्टनसी करी है लास्ट मैच की तरह, मैंने इसमें भी ट्रेंट बोल्ट को कैप्टन किया है। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम इनको 2-3 विकेटें दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। वाइस कैप्टनसी में काफ़ी सोच रहा था, या तो टिम साउदी सोच रहा था या मार्टिन गप्टिल सोच रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा बॉलर्स पर ही भरोसा जताया और ये टॉस फैक्टर पर रहेगा। अगर तो देखो बॉलिंग है पहले न्यूजीलैंड की, फिर तो ट्रेंट बोल्ट साथ इशोडी या साउदी करो, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं है तो उस केस में फिर मैं आपको कहूंगा एक ओपनर जैसे डैरियल मिचेल गप्टिल या इवन वन डाउन विलियमसन को कर सकते हो, साथ में आप कोई बॉलर को प्रेफर कर लेना। अभी के मेरे कैप्टन ट्रेंट बोल्ट, वाइस कैप्टन टिम साउदी, होपफुली आई वाज एबल टू हेल्प यू थ्रू दिस स्मॉल वीडियो। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम कर पाओ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन टॉप के कमेंट में आपको मिल जाएगा।